हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ये एक वन ऑफ द न्यू फीचर है जो सी प्लस प्लस में ऐड किया गया है इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में थ्री टू फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसके साथ में डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो सबसे पहले डिस्कस करते अवेलेबल है हम ऊप के प्रोग्राम कर रहे उसके लिए हम क्लास यूज कर रहे हैं तो क्लास ही हमारी पुरानी चीज है तो पुराने क्लास से नया क्लास बनाना इसी मैकेजम को गईज कहते हैं इनहेरिटेंस और यही हमारे डेफिनेशन है द मैकेजम ऑफ डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन इज कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस पुराने ही क्लास को एक्सटेंड करके एक नया क्लास बनाना उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस हम भी रियल लाइफ में गाइज एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस के हम इनहेरिटेड हुए हैं हमारे मम्मी पापा से तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके जो फीचर्स होते हैं वो भी हमारे इसमें इनहेरिटेड होते हैं और इसी मेकेनिज्म का हमें फायदा उठा के नए नए -नय क्लासेस बनाने हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं इन रिटर्न को हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जैसे घर वाले कंसेप्ट से यानी कि हाउस वाले कंसेप्ट से अगर आपको एक नया घर बनाना है मैं परचेस की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपको नया घर बनाना है तो आपको पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी परचेस करनी पड़ेंगी उसके बाद आपने जगह ढूंढ ली तो आपको फाउंडेशन लेना पड़ेगा और उसके ऊपर आप पूरा का पूरा घर बनाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ना गई घर बनाने के लिए तो घर बनाना एक प्रकार का क्लास बनाने जैसा ही कंसेप्ट है क्लास बनाने के लिए भी आपको डेटा मेंबर डिक्लेयर

तो क्यों ना उसी को एक्सटेंड कर दिया जाए क्यों ना उसी के ऊपर एक नया घर बनाया जाए तो इसके वजह से हमारा बहुत टाइम भी बचता है पैसे भी बचते हैं और एक नया घर भी बन जाता है जो जो पुराने घर की चीजें हैं फीचर्स हैं वो भी तो नए घर में आप यूज कर सकते हैं ना यही तो फायदा होता है हमारा इनहेरिटेंस का सो so, आप इसमें कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि द ओल्ड क्लास इज रेफर्ड एज द बेस क्लास आप समझ ही गए होंगे कि ओल्ड क्लास को बेस क्लास क्यों बोलते हैं उसी के ऊपर तो पूरे नई चीजें बनते हैं ना इसलिए वो बेस है हमारा जैसे हमारा पुराना घर वो बेस है उसके ऊपर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो जो नई चीज है द न्यू वन इज कॉल्ड एज ए क्लास तो इसी का यूज करके गाइज हमें आगे के प्रोग्राम्स भी करने हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने कंसेप्ट अभी देखा है उसके बहुत सारे टाइप है तो टोटल हमें फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करने हैं और उसमें से पहला इनहेरिटेंस है और वो है सिंगल इनहेरिटेंस ओके इनहेरिटेंसाइज तो पता है क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको इनहेरिटेंस के नाम लिखने हैं उसकी डायग्राम बनानी है और छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और आपके वन वन मार्क पक्के हो जाएंगे ठीक है फाइव इनहेरिटेंस की डायग्राम बनाओ और आपको थ्री मार्क्स मिल जाएंगे देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं मान लो कि ये हमारा एक क्लास है ए नाम का पुराना क्लास है हमने इसको बना के रखा है और सिंगल है जैसे आप इसे साइड बाय साइड घर से भी कंपेयर कर सकते हैं आपके पास ये घर है जिसका नाम है ए और इसी के ऊपर आप एक नया घर बनाते हैं या इसी का यूज करके आप एक नया क्लास डिराइव करते हैं तो इसी को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस जो ए है हमारा बेस क्लास है यानी पुराना क्लास और ये डिराइव क्लास हमारा नया क्लास है तो ए के ऊपर ही आपने एक नया क्लास बनाया है ओके तो गाइस डेरिवेशन ऐसे डाउनवर्ड हमने बताया है नहीं तो हम रियल लाइफ से एकदम कंपेयर करोगे घर से तो घर तो सर ऊपर बनता है, ऐसा आप बोलेंगे नहीं तो ऊपर हमारा न्यू क्लास है और देखो गाइस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वो कौन कहाँ से डिराइव हो रहा है ठीक है तो आई होप सो कि आपको वो समझता है रियल लाइफ के एग्जाम्पल और हमारे क्लास के एग्जाम्पल सो so ऐसा वाला जब हम सिंगल इनहेरिटेंस बनाते हैं गाइस तो ए की जो भी प्रॉपर्टी है वो बी के अंदर डिराइव्ड होती है ए के अंदर जो डेटा मेंबर है फंक्शन है पता है ये बी नाम का क्लास भी उसे क्या कर पाएगा यूज कर पाएगा जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिलहाल हम प्रोग्राम के ऊपर आपको उतना ध्यान देना नहीं है फिलहाल आपको थेरी टॉपिक के ऊपर फोकस करना है ताकि आप वन वन मार्क कैसे स्कोर कर सके तो आपको आइडिया क्लियर होगी ना गाइज यहाँ पे सिंगल बेस क्लास होता है और सिंगल डिराइव क्लास होता है और इसी के ऊपर आपको पॉइंट लिखना है कि डिराइव क्लास जो आप बी देख पा रहे हैं विद द ओनली वन बेस क्लास जो ऊपर आप ए देख पा रहे हैं इस एज ए सिंगल इनहेरिटेंस सिंगल बेस क्लास से सिंगल डिराइव क्लास बनाना इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस आई होप सो आपको एक आइडिया आ गई होंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होते हैं स्पेशली सिंगल वाला तो दूसरा हमारा जो टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस ओके देखो इसे मल्टीपल क्यों कहते हैं हमारे पास दो क्लास हैं मैंने क्लास को नाम दिया है ए और बी ये इंडिपेंडेंट क्लास है ए का डेटा बी में एक्सेस नहीं हो सकता और बी का डेटा ए में एक्सेस नहीं हो सकता है दोनों अपने आप में अलग अलग क्लास हैं। अब ये जो अलग अलग क्लास है इसका यूज करके अगर आप एक नया क्लास बनाते हैं सी नाम का तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अब क्या हो गया पता है गई ये सी हमारा डिराइव क्लास है और ए और बी हमारे ये बेस क्लासेस हैं मैंने लिखा बेस क्लासेस यानी कि मल्टीपल बेस क्लासेस हैं और उससे आपने सिंगल डिराइव क्लास बनाया है सी के अंदर किसकी प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है ए और बी की बताए सी क्या कर सकता है ए की चीजें भी एक्सेस कर सकता है और बी की चीजें भी एक्सेस कर सकता है तो इस टाइप वाले इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस तो आप पूछेंगे क्या सर यहाँ पे दो ही क्लास होने जरूरी है बेसिस में नहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं एक से ज्यादा होना जरूरी है तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं तो आप कहेंगे डिराइव में कितना होना चाहिए तो डिराइड में वन ही होना चाहिए यानी कि मल्टीपल बेस क्लासेस एंड सिंगल डिराइव क्लास इसी वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मल्टीपल

हमारे पास ए नाम का क्लास है और ये हमारा बेस क्लास है और ये अकेला रहेगा यानी कि सिंगल रहेगा ए नाम का क्लास है उससे आपने डिराइव किया है बी क्लास अगर इतना ही होता तो ये सिंगल इनहेरिटेंस UH है बट देखो हम क्या कर रहे हैं इससे और एक क्लास डिराइव कर रहे हैं सी और इससे और एक क्लास डिराइव कर रहे हैं डी यानी कि ए नाम के क्लास से आपने तीन क्लास डिराइव किए हैं यानी अल्टीमेटली मोर देन वन क्लास आपने डिराइव किया है और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, गाइस, हायरेजिकल इनहेरिटेंस तो यहां पे ए अकेला बेस क्लास होता है और मल्टीपल डिराइव क्लासेस होते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा मल्टीपल बेस क्लासेस थे और सिंगल डिराइव क्लास था तो यहाँ का उल्टा तो ये हमारी हायरचिकल है तो इसका रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आते हैं गाइज जैसे कि फैमिली ट्री देख लो आप या आप आपके कॉलेज का एग्जाम्पल देख लो ए नाम का आपका कॉलेज है और उसके अंदर ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है तो ऐसा रहता है ना एक क्लास उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती है आर्ट साइंस कॉमर्स लाइक दैट बट है तो एक ही कॉलेज ना और उसमें डिफरेंट ब्रांचेस तो ऐसे हमारा ये रियल लाइफ का कंसेप्ट हमारे क्लासेस में भी होता है एक क्लास रहेगा हमारे पास और उससे हम अलग अलग

माना था आपके पास एक पुराना घर है इससे आपने एक नया घर बनाया है उसके ऊपर आपने नई बिल्डिंग बना दी है तो जो पुराना था वो बेस है और जो नया है वो डिराइव है इतनी ही डायग्राम बनाओ मैं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है पर अब देखो ट्विस्ट क्या है बी के ऊपर भी अगर आप एक नया क्लास एक्सटेंड करते हैं और वो भी तो फिर हमारा डिराइव क्लास हो गया ना तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मल्टी लेवल इन्हेरिटेंस ओके गाइज सिर्फ थ्री ही लेवल होनी चाहिए ओके बेस डिराइव एंड डिराइड इसके बाद अगर बनाओगे ना वो दूसरा लेवल बन जाता है यानी समझ गए ना आपके पास एक पुराना घर है उसके ऊपर आपने एक नया घर बनाया और उस नए वाले घर के ऊपर आपने एक नया घर बनाया तो तो वो भी डिराइव क्लास हुआ है ना तो जो लास्ट वाला डिराइव क्लास हमारा डिराइव हुआ है वो डिराइड फ्रॉम अनादर डिराइव क्लास जो अपने आप में किसके किसी और से डिराइव हुआ है उससे हमने एक नया डिराइव क्लास बनाया है यानी जो पुराना वाला डिराइव क्लास है वो बेस क्लास है फॉर अ न्यू क्लास तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मल्टी लेवल ओके इसको आप अगेन दूसरे एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं सपोज ए आपके ग्रैंड फादर है बी आपके फादर हैं सी इट्सल्फ आप हो यानी कि ग्रैंड से फादर डिराइव हुए फादर से आप डिराइव हुए है सो ऑन so तो इसी को बोलते हैं मल्टीलेवल इनहेरिटेंस तो आई होप सो कि आपको ये भी याद रहेगा बस एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे लिखना है inheritance. Okay, ये टॉपिक है ओके तो okay? चार ही एक्चुअली प्योर इनहेरिटेंस होते हैं जो नेक्स्ट वाला है वो कौन सा आपको पता चल जाएगा तो गाइज इनकी डेफिनेशन ये एमसीक्यू में ये वाले भी टाइप्स भी पूछे जाते हैं तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट इनहेरिटेंस के तरफ यानी फिफ्थ वन हाइब्रिड इनहेरिट

और जो सी है ना अब बी और डी से मिलके डिराइव हुआ है यानी कौन सा इनहेरिटेंस यहाँ पे मिक्स हुआ है एक तो मल्टी लेवल है और साथ ही साथ में मल्टीपल है यानी कि दो इनहेरिटेंस का यहाँ पे मिक्सर है तो ये कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं है ये हाइब्रिड फॉर्म है इनहेरिटेंस का वैसे ही इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं सब टाइप जैसे कि देखो मेरे पास एक ए नाम का क्लास है इससे मैंने दो क्लास डिराइव किए कौन सा इनहेरिटेंस है गाई? ये इनरिटेंसराजिकल इनहेरिटेंस है और अब देखो ट्विस्ट क्या है मैं डी नाम का क्लास बी और सी से डिराइव करता हूँ यानी अगेन ये कौन सा इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस

Sometimes आपको थ्री मार्क्स मिलेंगे और सेम क्वेश्चन के ऊपर आपको फोर मार्क्स भी मिल सकते हैं और डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है वो आपकी हो ही जाएंगी तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में वो पॉइंट हम यहाँ पे तो बस डिस्कस करते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस अलाउज अस टू रीयूज द क्लास दैट हैज बिन टेस्टेड इट सेव द एफर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द सेम अगेन गर्ल्स हमने इसको घर से कंपेयर किया था घर बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है एफर्ट लगते हैं वैसे ही प्रोग्राम बनाने के लिए भी लगते हैं स्पेशली ऐप बनाने के लिए जब तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह आप बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐप डेवलप करना कितना कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसके लिए एफर्ट लगते हैं टेस्ट करने पड़ते हैं डीबर्क करना पड़ता है एंड सो ऑन तो आपके पास एक अगर ऑलरेडी बनी हुई चीज है आपके पास एक प्रोजेक्ट है गाइस ऑलरेडी बना है वो कुछ तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है और आपको भी एक नया प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट में पुरानी चीज यूज होती है तो फिर से वो पुरानी चीज आप बनाओगे क्या आपको नया घर बनाना ही है और आपके पास ऑलरेडी एक घर है आप बस आपको एक नया घर बनाना है तो अलग जगह पे बनाने के बजाय फिर से जीरो से शुरू करने के बजाय ऑलरेडी बनाई है ना तो उसके ऊपर बना डालो ऐसा हम रियल लाइफ में करते हैं सिटीज में होता है आप,

जिसमें हम पुरानी चीजों से नई चीज बना सकते हैं तो कैसे आपके ये कंसेप्ट और भी आगे आगे क्लियर होते जाएंगे रियल लाइफ के प्रोग्रामिंग के एंड सो ऑन तो कैसे अब वन बाय वन हम इन रिटर्न स्टडी करते हैं सो so बढ़ते हैं हमारे पहले इनहेरिटेंस की तरफ नाम है सिंगल इनहेरिटेंस ए से बी डिराइव हुआ है ए हमारा बेस क्लास है और बी हमारा डिराइव क्लास है प्रोग्रामिंग में कैसे दिखता है वो हम बस कंपेयर करेंगे मान लो कि ए नाम का क्लास है ओके अब तक हमने डायग्राम बनाई है अब थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं सपोज ए नाम का क्लास है और इसमें आपने बहुत सारी कोडिंग वगैरह लिख दी है बहुत मेहनत की है ए क्लास बनाने के लिए अब एक मेरे पास दूसरा क्लास है जिसका नाम है बी और इसमें भी कुछ कोडिंग वगैरह रह सकती है तो गाइज ऐसे ही लिखते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना ए से बी कनेक्ट है ना बी से ए कनेक्ट है यानी कि अल्टीमेटली बी ए से डिराइव नहीं हुआ है ये अपने आप में दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लास है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बी ये क्लास ए से डिराइव हुआ है देखो आपको इसके आगे क्या पुट करना पड़ता है डिराइव क्लास के आपको कोलन लिखना पड़ता है ये सेमी कोलन भी नहीं है और ना ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये कोलन है इसके बाद आपको एक विजिबिलिटी मोड बताना पड़ता है पब्लिक हो सकता है ये प्राइवेट हो सकता है और एक नया वाला आने वाला है दैट्स अ प्रोटेक्टेड ये हमारे विजिबिलिटी मोड होते हैं और उसके बाद आपको लिखना है क्लास का नाम यानी कि जिससे वो डिराइव होता है उस क्लास का आपको नाम लिखना पड़ता है तो ये हमारा रिलेशन बताता है कि बी एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है बल्कि ये पब्लिकली डिराइव हुआ है ए से तो ये जो हमारा कोलन है ये इसका रिलेशन बताता है ओके कोडिंग वगैरह तो हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखने वाले हैं जस्ट ये एक डेमो था कि देखो ऐसा डेरिवेशन हो

सबसे पहले आपको क्लास या की वर्ड यूज करना है और आपको डिराइव क्लास का नाम लिखना है जैसे कि यहाँ पे बी है और कोलन लिखना है और उसके बाद आपको विजिबिलिटी मोड बताना है तो जनरली हम जितने भी प्रोग्राम करने वाले आगे हम पब्लिक ही लिखने वाले हैं इसका भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि पब्लिक लिखने से क्या होता है प्राइवेट लिखने से क्या होता है और प्रोटेक्टेड लिखने से क्या होता है धीरे धीरे आपको वो एक्सपीरियंस से आ ही जाएगा इसके बाद गाइज बेस क्लास का नाम लिखना है जितने क्लासेस से वो डिराइव हुआ है उतना तो फिलहाल यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस है तो यहाँ पे सिंगल ही क्लास रहने वाला है नेक्स्ट एग्जाम्पल में अलग अलग क्लासेज रह सकते हैं और इसमें जैसे हम नॉर्मल कोडिंग करते हैं ना गई मेंबर फंक्शन बनाते हैं डेटा वाले फंक्शन वाले वही आपको यहाँ पे बनाने हैं और खास बात पता क्या है ये जो डिराइव क्लास में खुद के तो मेंबर रह ही सकते हैं ए में जो भी चीजें है ना गाइज वो भी इसके अंदर यूज हो सकती हैं बिना डिक्लेयर किए बस उनके नाम लिखो फंक्शन के डेटा के आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं सो so बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि द कोलन इंडिकेट दैट डिराइव क्लास नेम इज डाइव फ्रॉम द बेस क्लास यानी कि जो भी सिंटैक्स में लिखा है

एंड बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होता है अगर आप पब्लिक की जगह कुछ ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है बट हम जब प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे आपको पब्लिक ही लिखना है तभी ये सक्सेसफुल हम प्रोग्राम बना सकेंगे अदरवाइज थोड़े से प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई वेदर द फीचर ऑफ द बेस क्लास इज प्राइवेटली डिराइड और पब्लिकली डिराइड यानी गाइज क्लास ए की चीजें बी के अंदर पब्लिकली डिराइड हुई है कि प्राइवेटली डिराइड हुई है गाइज ये समझने के लिए आपको डेमोस्ट्रेशन देखना पड़ेगा तभी आप क्लियर समझ पाओगे कि पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिखने से यहाँ पे क्या होता है तो बढ़ते हैं हमारे डेमोस्ट्रेशन की तरफ हम आगे डेमोस्ट्रेशन के तरफ और हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस और मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के रखा है क्लास का और क्लास का नाम है नंबर और आपको अच्छे से आइडिया है जब भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो हम इसी क्लास का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में ये एक्ट करेगा एज अ बेस क्लास और इसी से हम नए क्लास डिराइव करेंगे अब तक मैंने यहाँ पे कोई भी कोडिंग लिखी नहीं है चलो हम कोडिंग लिखते हैं तो एज यूजल हमारी कोडिंग रहेंगी मैं एक प्राइवेट सेक्शन बना देता हूँ आपको अब इसका नाम पता चल गया होगा इसे विजिबिलिटी मोड कहते हैं यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ आप चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट इंटीजर वैल्यू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और एक सेक्शन बनाएंगे आपको पता है दूसरे सेक्शन का नाम क्या होता है पब्लिक और यहाँ पे हम बनाएंगे दो फंक्शन पहला फंक्शन एज यूजल हमारा गेट डेटा रहेगा और इसके अंदर हम वैल्यू रीड करते हैं आपको पता है एक नॉर्मल तरीका है यहाँ पे मैसेज लिखो एंटर एनी इंटीजर नंबर और यूजर से वैल्यू लो या फिर एक अच्छा सा एक तरीका है इंटीजर एक्स ऐसा पैरामीटराइज फंक्शन बना दो मेन से वैल्यू भेजो और वो एक्स में कॉपी हो जाएंगी और वही वैल्यू हम कहाँ पे स्टोर करेंगे ए में स्टोर करेंगे मुझे अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप इसके बारे में अच्छे से अवेयर हैं और जो भी वैल्यू आपने वहाँ से पास की है क्यों ना इस फंक्शन का यूज़ करके उसे डिस्प्ले कर दिया जाए फंक्शन का नाम है डिस्प्ले आप मैसेज भी लिख सक यहां पे या डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं तो मैं यहां अब इस बार मैसेज लिख रहा हूं तो मैसेज लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू और जो ए की वैल्यू है वो हम डिस्प्ले कर देते हैं और एंडल मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट बराबर नीचे प्रिंट हो तो गाइज़ मेरा एक क्लास रेडी है क्लास का नाम है नंबर किसी ने पूछा ये क्या करता है तो जस्ट एक इंटीजर नंबर को रीड करता है और डिस्प्ले करता है तो गाइज़ ये किसी कंपनी में बना हुआ बड़ा सा प्रोजेक्ट भी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चार पाँच साल भी लग सकते हैं और बहुत टाइम और बहुत फस्ट्रेशन और मनी की जरूरत पड़ी होंगी इसे बनाने के लिए तो अब ये सच में काम करता है कि नहीं करता है वो चेक करने के लिए मैं मेन के तरफ चला जाता हूँ अगर आपको ऊपर के क्लास के कंटेंट अगर यूज़ करने हैं तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो मैंने एन वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और एन वन से देखो मैं क्या करता हूँ गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइव वैल्यू ये पास की है और उसके बाद चलो इसे डिस्प्ले भी कर देते हैं तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल किया है और चलो टेस्ट करते हैं जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं मतलब हम उसको डीबग कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया है फिलहाल कोई एरर नहीं है गाइस ओके हो सकता है कि मेरे से यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए जैसे ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टेड ही हटा दिया है और इसे मैंने कंपाइल करता हूँ देखो इसमें दो एरर हैं अब छोटे से प्रोग्राम में ये दो एरर हैं बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा तो उसे डीबग करना पड़ता है देन एरर देखना पड़ता है अच्छा तो यहाँ पे एरर है तो एरर क्या है उसे आपको एलिमिनेट करना पड़ता है फिर से कंपाइल मतलब फिर से डीबग आप कर रहे हैं उसे और आप ऐसा करते करते एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी बोला है तो एक बड़ी सी ऐप भी हो सकती है बड़ा सा प्रोजेक्ट भी हो सकता है और अच्छा खासा आपने इसे क्या किया है डिबर्क किया है और अब इसे हम करते हैं रन तो देखो ये सक्सेसफुली ये प्रोग्राम रन हुआ है और नंबर इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे आया है मतलब मेरे पास एक वेल टेस्टेड क्लास है जो क्या करता है एक नंबर को रीड और डिस्प्ले करता है ओके okay गाइज और ये बन के रेडी है आपने किसी को दे दिया है किसी और कंपनी को क्लाइंट को आपने ये दे दिया है ये प्रोजेक्ट ताकि वो क्या कर सके इसका यूज कर सके दैट्स इट गाइज तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया छोटे से क्लास का जो हमारे लिए कुछ तो भी काम परफॉर्म कर रहा है अब कंपनी को मिलता है एक नए प्रोजेक्ट का ऑर्डर और उस नए प्रोजेक्ट के ऑर्डर में भी एक सेम चीज वहां पे भी चाहिए और वो है एक नंबर को रीड करना ऐसा समझ लो ना कि एक ऐप को जरूरत है कि उसे उसमें भी एक नंबर रीड होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए तो गाइज अब क्या वो कंपनी एक नया क्लास बनाएंगी नया प्रोजेक्ट चालू करेंगी जिसमें एक नया नंबर रीड करना है ऐसा नहीं करेंगे ना कंपनी कंपनी क्या करेंगी अब वो कि उसके पास एक ऑलरेडी क्लास बना है एक प्रोजेक्ट बना है क्यों ना उसे एक्सटेंड किया जाए तो क्यों एक्सटेंड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्टेड है हमने इसको टेस्ट किया है अच्छे से ये वर्क करता है जिसमें अब तक हमने इसके ऊपर जितना पैसा और एफर्ट लगाया है वो फिर से थोड़ी हम लगाएंगे ना ऑलरेडी ये टेस्टेड है तो क्यों ना इसको तो इसे क्या कर दिया जाए इस एक्सटेंड कर दिया जाए और एक्सटेंशन का मतलब ही डेरिवेशन होता है हमारे यहाँ पे देखो अब मैं एक नया क्लास बनाना चाहता हूँ और आपके ऊपर डिपेंड है आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ हमारे पास एक नंबर है तो क्यों ना इसका स्क्वायर करके बताया जाए यूजर को ओके okay? आपको मेरा मोटिव समझ गया है मेरे पास एक नंबर है उसको तो हम क्या करेंगे उसी नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेंगे यूजर को तो मैं क्लास बनाता हूं क्लास का नाम है स्क्वायर ओके गाइस तो ऐसा मैंने यहां पे क्लास बना दिया है और इसको मैं भी लगा देता हूं कर्ली ब्रैकेट बना के अगर मैं ऐसा ही लिखू तो ये इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा अगर किसी नंबर का मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे नंबर रीड करना पड़ेगा हो सके तो मुझे इसे डिस्प्ले करना पड़ेगा देन कैलकुलेशन एंड अगेन मुझे रिजल्ट करना पड़ेगा अगर आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं प्रोजेक्ट तो बट स्क्वायर नाम के क्लास में भी नंबर रीड करने वाली प्रोसेस आने ही वाली है डिस्प्ले करने वाले आने ही वाली है बट मेरे पास तो वो ऑलरेडी ऊपर है गाइस तो बस आप उसे क्या करो ऐसा कोलन लगाओ और पब्लिक ही लिखना है ओके क्यू लिखना है थोड़ी देर पता चल जाएगा और ये किससे डिराइव हो रहा है क्लास नंबर से डिराइव हो रहा है यानी कि अब ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है स्क्वायर नाम का क्लास पब्लिकली इनहेरिटेड हो रहा है कौन से क्लास से नंबर वाले क्लास यानी नंबर जो जो कर सकता है तो नंबर करता क्या आएगा जिसमें अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है गेटर नाम का फंक्शन है डिस्प्ले नाम का फंक्शन है तो सेम चीजें स्क्वायर में भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? किस लेवल तक कर सकते हैं वो हमें अब देखना है बस तो गाइस अब देखो यहाँ पे भी एक नया क्लास है तो इस क्लास के अंदर भी अपने आप में सेक्शन हो सकते हैं जैसे कि प्राइवेट अब आपको यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे एसक्यू नाम का वेरिएबल बना रहा हूं और मेरे लिए क्या करेगा पता है स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर करने के लिए आपको अगेन एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना तो मैं यहाँ पे देखो पब्लिक में आप चाहे तो वाइट कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसा ही फंक्शन बना सकते हैं गेट स्क्वायर नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है ये आपके लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा तो कौन से कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा एसक्यू में ये स्क्वायर स्टोर करेगा बट कौन से नंबर का ए नाम के वेरिएबल का Okay, तो अब रही बात ए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है वही देखना बाकी है बट कंसेप्ट तो हमारा यही कहता है कि ऊपर के क्लास में जो वेरिएबल है मैं डिराइव क्लास में उसे क्या कर पाऊंगा यूज कर पाऊंगा okay तो ऐसा हमारा ये कंसेप्ट है अब रही बात आपने स्क्वायर किया है तो यूजर को आंसर भी तो आपको बताना पड़ेगा ना तो मैं एक नया फंक्शन बना देता हूं उसको नाम दे देता हूँ डिस्प्ले एसक्यू यानी कि हमारा स्क्वायर और बस हम स्क्वायर को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे ऐसा मैसेज लिख के स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर स्टोर है एसक्यू में और उसके बाद एंडल लगा देंगे ताकि कुछ और चीजें भी अगर प्रिंट होनी है तो बराबर नीचे प्रिंट हो तो गाइज हमारा डिराइव क्लास रेडी है दैट्स इट आप देख सकते हैं डिराइव हो चुका है ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्सेस की है ऊपर के क्लास में ओके अब रही बात अब इसे टेस्टिंग कैसा करना है सबसे पहली बात तो आपको बेस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं तो आपको किसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको बनाने हैं डिराइड नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट देखो मैंने यहां पे स्क्वायर एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और पता है इस ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप जो बेस क्लास में जो फंक्शन है उनको आप कॉल कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि गेट डेटा स्क्वायर के अंदर नहीं है गेट डेटा किसके अंदर है नंबर नाम के क्लास के अंदर है तो गेट डेटा एक्सेस हो सकता है डिस्प्ले नाम का फंक्शन एक्सेस हो सकता है कौन से ऑब्जेक्ट बना के गए स्क्वायर नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तो मैंने यहाँ पे नंबर रीड किया है और उसके बाद अब मैं डिस्प्ले भी कर देता हूं तो जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पहले मैंने नंबर नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे अब मैंने स्क्वायर नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया है और ये सक्सेसफुल है या नहीं है हम चेक करते हैं ओके okay गाइस और देखो कंपाइल करने के बाद दो दो यहाँ पे एरर आ रहे हैं ऐसा नहीं गेट डेटा और डिस्प्ले एक्सेस नहीं हो सकता हो सकता है एरर वो ए के लिए है और वही तो हमें अब पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे नंबर ए इज नॉट एक्सेबल और नेक्स्ट वाला एरर क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा बट ए यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है बट मैंने तो आपको बोला था कि होता है करके आप भी बोलेंगे सर ने बताया था कि वहां का डेटा यहाँ पे एक्सेस हो सकता है हो सकता है और उसी को तो हमको अब अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से देखो देखाइज ये जो ए है ना ये प्राइवेट है प्राइवेट चीजें प्राइवेट डेटा ये इनहेरिटेंस हो या कोई और टॉपिक हो वो कभी भी क्लास के बाहर नहीं निकलता है ओके प्राइवेट चीज हमेशा ही प्राइवेट रहती है किसी भी क्लास के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये ए बाहर एक्सेस हो तो सबसे पहला तरीका क्या है आप इसे क्या करो गाइस पब्लिक बना दो आप इसे पब्लिक बना सकते हैं देखो जैसे कि मैंने इस पब्लिक को बना दिया कमेंट और इस प्राइवेट की जगह लिख देते हैं पब्लिक ओके और अब देखते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करके और प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करो वो एरर एलिमिनेट हो गया है बस एक दूसरा एरर बाकी है और वो कॉमन सा एरर है कि गेट डेटा में आपको वैल्यू पास करनी पड़ेंगे ना मैंने नहीं की है पास तो मैंने यहाँ पे अब वैल्यू भी पास कर दी है और इसी को गाइस डीबगिंग बोलते हैं जो एरर रहते हैं उसे आपको डीबग करना पड़ता है और कंपाइल करो आपका एरर यहां पे खत्म हो चुका है और सच में ये काम करता है कि नहीं करता है आप चेक कर सकते हैं नंबर इज इक्वल टू फाइव प्रिंट हुआ है यानी स्क्वायर नाम के क्लास ऑब्जेक्ट के यूज करके आप बेस क्लास के फंक्शन और डेटा भी यूज कर पा रहे हैं बट गाइज प्रॉब्लम क्या हुआ आप समझ पा रहे हैं मैंने इंटीजर ए को पब्लिक बना दिया है और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आप मेन में भी उसे यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फाइव भेजा है गाइज गेट डेटा का यूज करके और देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सिक्स मैंने भेजा तो है फाइव गेट डेटा में और मेन के अंदर देखो मैं ए की वैल्यू सिक्स कर रहा हूँ तो देखो आंसर कैसे आते हैं अब यहाँ पे आंसर आ रहा है सिक्स यानी कि जो वैल्यू रीड कर रहा है फंक्शन उसको अब मैनुपलेट कर पा रहे हैं मेन के अंदर क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि ए हमारा क्या हो गया है पब्लिक हो गया है तो हम नहीं चाहते हैं कि ये ए कहाँ पे यूज हो मेन में यूज हो तो कहाँ पे यूज होना चाहिए ओनली डेरिवेशन में यानी कि जो स्क्वायर नाम का क्लास है उसमें ही डेटा वो यूज होना चाहिए तो आपको तो पता ही है प्राइवेट लिखते हैं तो होता नहीं और पब्लिक लिखा तो हर सब के लिए पब्लिक वो ओपन हो जाता है तो गाइज इसका हमारा सोल्यूशन है और वो है प्रोटेक्टेड देखो पब्लिक प्राइवेट की जगह अगर आप प्रोटेक्टेड लिखते हैं स्पेशली गाइज प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो ये ए है ना वो डेरिवेशन छोड़ के इस नंबर क्लास से जो डिराइड हुआ है वो छोड़ के बाकी सबके लिए ये प्राइवेट ही रहेगा यानी ये स्क्वायर नाम के क्लास में तो यूज हो पाएगा ए बट मेन में यूज नहीं हो पाएगा और आप देख सकते हैं कंपाइल करके अब एरर कहाँ पे आ रहा है तो आप देख सकते हैं देखो लाइन कहाँ पे हाईलाइट हुई है मेन के अंदर नंबर ए इज नॉट एक्सेसेबल यानी कि वो स्क्वायर में एक्सेसबल है guys, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है बस हमें कुछ चीजों को बस कॉल करना है तो मैंने इसको हटा दिया है और अब कंपाइल करो और आप देख सकते हैं आपने फाइव भेजा बराबर फाइव वहां पर डिस्प्ले हो रहा है तो आपको तो करना था स्क्वायर अभी तक तो स्क्वायर हुआ नहीं है तो स्क्वायर करने वाला फंक्शन है कहां पे स्क्वायर नाम के क्लास में है ना तो बस उसी एस का यूज करके देखो एस की खासियत समझे ना आप एस से आप बेस क्लास के मेंबर को तो कॉल कर ही सकते हैं साथ ही साथ में खुद के तो वो करेगा ना तो बस फंक्शन को कॉल कर दो गेट स्क्वायर नाम के फंक्शन को मैंने यहां से कॉल किया और अब डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करो बट वो सिंपली डिस्प्ले नहीं है गाइज अगर इतना डिस्प्ले लिखते हैं तो वो बेस वाला ही डिस्प्ले कॉल होगा आपने उसका नाम लिखा था डिस्प्ले एस क्यू ओके तो बस ऐसा कर दो और आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ है देखो बस ऑब्जेक्ट किसके बनाने हैं वो ध्यान में रखने हैं हमेशा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं बेस क्लास के नहीं बनाने हैं डिराइव क्लास की क्यों बनाने हैं क्योंकि गाइस जो डेरिवेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है ना तो जो नीचे है वो ऊपर के हर चीज को क्या कर पाएगा एक्सेस कर पाएगा इसलिए आपको ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव क्लास के बनाने हैं तो चलो गाइस इसे करते हैं कंपाइल तो कोई एरर नहीं और जैसे मैं रन करूं आप देख सकते हैं फाइव का स्क्वायर यहां पे कितना आया ट्वेंटी फाइव आया है तो आप यहां पे जस्ट वैल्यू चेंज करते जाओ मैंने यहां पे ट्वेंटी फाइव लिखा है तो आपको उसका स्क्वायर पता है सिक्स ट्वेंटी फाइव आना चाहिए एंड सो ऑन आप चाहें तो फ्लोट वाली वैल्यू भी ले सकते थे बट ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा मैंने टाइम बिंग या सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही यूज किया है तो गाइज ऐसा होता है डेरिवेशन तो इसका यूज करके आप कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं मैंने स्क्वायर वाला प्रोग्राम बनाया है अगर आपको क्यूब करना है तो क्यूब बना करते हैं अब कितने तो भी सारे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे हमने नंबर एक सिंगल नंबर का यूज किया है मुझे इवन और ऑड नंबर चेक करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का अगर प्रोग्राम करना है तो भी एन स्ट्रांग टेलेंट ग्राम रिवर्स नंबर का फैक्टोरियल का प्राइम नंबर का एंड सो ऑन अब बस क्लास अलग-अलग क्लास यहां पे इंक्लूड करते जाओ और आप अच्छे से ऊपर वाले बेस क्लास का यूज़ करके नंबर अलग अलग रीड कर सकते हैं तो क्या आपको समझ गया होगा कि डेरिवेशन कैसे होता है और हम जितने भी प्रोग्राम पढ़ेंगे इसी तरीके से वो रहेंगे यानी कि जो डिराइड होने वाले हमारे क्लासेस हैं वो पब्लिकली डिराइव होंगे अब देखते हैं कि यहाँ पे आपने प्राइवेट लिखा तो क्या होता है जैसे ही आपने यहाँ पे प्राइवेट लिखा बेस क्लास की हर चीज़

है अब हमारे वो प्राइवेट बन चुके हैं और गेट स्क्वायर और डिस्प्ले स्क्वायर ये पब्लिक बन चुके हैं तो देखो यहाँ पे दो एरर गाइस आते हैं अच्छे से देखना एरर क्या है गेट डेटा इंटीजर वाला और डिस्प्ले वाला जो नंबर से बिलोंग करता है वो नॉट एक्सेसिबल है क्यों नॉट एक्सेसिबल है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है पब्लिक की जगह क्या लिखा है प्राइवेट लिखा है वैसे ही प्रोटेक्टेड के लिए भी होगा क्योंकि वो भी एक प्रकार का प्राइवेट ही होता है इसलिए आपको यहाँ पे जस्ट पब्लिक ही लिखना है पब्लिक से क्या होता है पता है यहाँ की जो प्रोटेक्टेड चीजें हैं वो हमारी इसके लिए प्राइवेट बन जाती है मतलब कि अगेन ये चीज स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना के भी बाहर नहीं निकलेंगे बट पब्लिक लिखने से बेस क्लास के अंदर जो पब्लिक वाले वेरिएबल्स हैं या पब्लिक वाला जो फंक्शंस है वो स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना के बाहर एक्सेस हो सकता है और वही तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि बाहर भी वो चीज़ें यूज हो सके बस गाइज आप इसे कंपेयर करो हमारे एरर क्या हो गए एलिनेट हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट कब लिखना है जब हम स्क्वायर के ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ओके हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े कुछ और टेक्निक से हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं गाइज तब आप वहां पे प्राइवेट लिख सकते हैं बट आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है जब आप बहुत फैमिलर हो जाएंगे इन से तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फिलहाल के लिए बस एज अ कंसेप्ट करके आपको याद रखना है आगे के प्रोग्राम में भी हम यहाँ पे पब्लिक ही यूज करेंगे उतना ही आपको ध्यान रखना है पब्लिक से क्या होता है गाइज प्राइवेट चीजें तो कभी निकलती नहीं है बाहर ओके इसलिए तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा है प्रोटेक्टेड चीजें इस क्लास के लिए प्राइवेट बन जाती हैं और पब्लिक वाली चीजें पब्लिक रहती हैं ताकि हम उसका यूज कर सके बाहर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझा होगा नहीं समझा तो गाइज बस इतना हेडर याद रखो कि ऐसा हमें परफॉर्म करना है तो इसी चीज़ों को हम थोड़ा सा थेटिकली देखते हैं और हमारा क्लास खत्म करते हैं सो so, हम आगे वापस टॉपिक तरफ तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट वहां पर डेमोस्ट्रेशन में देखे इस वही हमें अब लिखना है जैसे कि वेन बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड

डेटा 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 था 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 क्या था, क्या 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 वो वो हुआ नहीं बट जो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इस क्लास के के लिए क्या बनता था? बनता प्राइवेट मतलब अल्टीमेटली नंबर का आप स्क्वायर अंदर डायरेक्ट यूज कर सकते थे तो ये पब्लिक लिखने से क्या होता और यही सबसे है याद रखने है क्योंकि पब्लिक में फंक्शन है और यहां पर अगर मैंने प्राइवेट लिख दिया पब्लिक की जगह तो यहाँ का डेटा यहाँ किसी के क्लास के अंदर ही यूज होगा यानी स्क्वेयर का ऑब्जेक्ट बना के आप मेन से नंबर की चीजें एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्या लिखने से प्राइवेट लिखने से यहां पे विजिबिलिटी मोड में इतना आपको ध्यान में रखना है और गई तीसरा पॉइंट है नो मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइड क्लास यानी जो मैंने आपको बताया है मेन में स्क्वायर के ऑब्जेक्ट बना के कोई फायदा नहीं अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो और नेक्स्ट पॉइंट है इन बोथ द केसेस अगर वो पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल नेवर बिकम द मेंबर ऑफ द में क्लास ओके मतलब यहाँ की प्राइवेट चीजें यहां पे डिराइड नहीं होती है और इसीलिए हमने क्या

यानी कि मेन हो गए या कुछ अदर फंक्शंस हो गए वो उसे यूज़ ना कर सके तो ये था हमारा गाइस कंसेप्ट इनहेरिटेंस का तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस कंप्लीट किया है नेक्स्ट क्लासेस में हम बचे हुए इनहेरिटेंस भी कंप्लीट कर देंगे तो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ तब तो तक के लिए गुड बाय थैंक यू गाइज